सर कल से बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछ रहे थे 25% या 7.5 CGPA पूरे 3 साल में अगर नहीं आता है तो क्या आगे की पढ़ाई हम नहीं कर सकेंगे। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, है ना, कि सर अगर 3 साल का ग्रेजुएशन हमने पूरा किया और उसमें 7.5 CGPA या 75% नहीं आया तो मेरे साथ क्या होगा। देखिए करंट के सिनारियो में तो यही है कि 7.5 CGPA या 75% से आपका कम मार्क्स आता है तो 4 साल का ग्रेजुएशन आप नहीं कर सकेंगे। और करंट रेगुलेशन यही है कि अगर 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो आप 5वें साल MSc में एडमिशन या MSc में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, फर्दर PhD भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि आपने 7.5 CGPA या 75% मार्क्स नहीं लाया, उस केस में आपको MSc करना कंपलसरी हो जाएगा। अब MSc कैसे करेंगे, चूंकि आपने कहा था कि सर 7.5 CGPA मार्क्स नहीं रहेगा तो MSc में एडमिशन नहीं होगी। देखिए इसके लिए अभी नॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं जिसका उम्मीद ये है कि हर यूनिवर्सिटी मास्टर्स में एडमिशन के लिए अपने यहाँ कुछ क्राइटेरिया रखेगा। उन क्राइटेरिया में हो सकता है कि वो अलग से अपना एंट्रेंस टेस्ट लें, उन एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद फिर जो है से कि आप एडमिशन ले सकेंगे। एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बेसिस पर मार्क्स के बेसिस पर आपका MSc में एडमिशन होगा। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन था जिसमें आपने 3 साल करा, चौथे साल में एडमिशन नहीं हुआ, तो 4 साल का ग्रेजुएशन करते तो MSc 1 साल का होता। अब चूंकि आपने 3 साल का ही ग्रेजुएशन किया है उसके बाद आप MSc में एडमिशन लेने जाएंगे तो MSc 2 साल का होगा, जिसमें पहला साल आपका थियोरेटिकल पढ़ाई होगा और दूसरे साल जो है वो रिसर्च बेस्ड पढ़ाई होगी, जो कि BSc 4th ईयर में आपको पढ़ाया जाना था, वो आपका नहीं हो पाया तो अब MSc करने के बाद वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 4 साल के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते थे, 1 साल आपका बचत होता। अब क्या होगा कि 4 साल के बाद फिर आपको 2 साल और लगा, 3 साल के बाद 2 साल और लगाना होगा और तब तो फिर आपको PhD करना होगा, है ना। लेक्चरार की बहाली जो है वो अभी फिलहाल नेट पर है, बट आने वाले दिनों में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह उठ करके फिर चला जाएगा PhD पर, है ना। तो केवल यही एक लॉस होना है।